अभी हम पटना के तरेत पाली मठ में हैं, जहां पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं। और आज मैं आपको दिखलाने वाला हूं कि यहां पर जब बाबा आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ की जो तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में बड़ा बड़ा पंडाल बन रहा है। ये देखिए कितना हैवी हैवी जो है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से ये पंडाल बन रहा है। हमारे साथ मुख्य कार्यकर्ता हैं, अखिलेश भैया हैं, और ये सभी लोग जो हैं मुख्य कार्यकर्ता में हैं, और ये लोग देख रेख कर रहे हैं। अभी पंडाल बन रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे क्या होगा, कहां पर कौन सा पंडाल बनेगा, कैसे कैसे मैनेजमेंट होगा, इन ये सारी चीज़ों को देख रेख इन लोगों के हाथ में है। और भी बहुत सारे काम इन लोगों को दिया गया है, काम ये लोग करवा रहे हैं, क्योंकि बाबा आते हैं तो आप लोग को भी मालूम है कि काफ़ी लोग जुटते हैं उनको देखने के लिए, उनकी कथा सुनने के लिए। और जब बिहार में पहली बार आ रहे हैं तो और भी बिहार और बिहार के अगल बगल के राज्यों से भी लोग आएंगे। बिहार के अनेक ज़िला से तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगल बगल के राज्यों से भी लोग आएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया, बोलिए क्या क्या तैयारी चल रहा है। तैयारी आपके आँख के सामने चल रहा है। हाँ, अभी तो पंडाल दिख रहा है, मंच है। हाँ, ये मंच है जी, 5000 स्क्वायर फीट का मंच बन रहा है। ये मंच में यहीं पर बाबा अपना, यहीं पर बाबा रहेंगे, कथा कहेंगे। और उसके बाद और क्या कहते हैं, मंच के पीछे उनका रूम है आराम करने का, ठहरने का, उनके साथ जितने लोग आए हैं उनको ठहरने का। उसके बाद मंच के बाएं साइड रोड के दक्षिण सॉरी रोड के उत्तर भोजनालय का व्यवस्था है, स्टोरेज है, जो मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ठहरने के लिए। एक दिन में कितने लोग आएंगे, कितना के एस्टिमेट आप लोग बनाए हैं? 2.5 लाख रोज, 3 लाख, 2.5 से 3 लाख रोज 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 उसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल। उन लोगों के खाने पीने का भी व्यवस्था होगा? खाने पीने, रहने, रहने का भी, रहने का भी। और कितना दूरी में ये पंडाल बनेगा, कितना एरिया में आपको क्या लगता है? आप देख रहे हैं आगे कहीं कुछ है? बुझा रहा है, बस कुछ ही नहीं दिख रहा है, बहुत 1 किलोमीटर तक एरिया है। गांधी मैदान, 5-10 गांधी मैदान इसमें हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद पार्किंग का व्यवस्था 500 बीघा में इधर और 150 बीघा में इधर, पूरा भी है 100 बीघा, तो समझ लीजिए कि 700-800 बीघा, यानी करीब करीब 500 एकड़ में हम पार्किंग की व्यवस्था दे रहे हैं। सोचिए कि इतना बड़ा व्यवस्था हो रहा है। और कितना पट्टी रोड है, कथा प्रवचन स्थल से चारों साइड रोड है, चारों पट्टी से कम्युनिकेशन है। मसौरी से आइए, पालीगंज से आइए, आप आरा विक्रमगंज भभुआ रोहतास कहीं से आइए, उसका पार्किंग दहीने साइड है। पटना से आइए और यानी उत्तरी बिहार से जितने लोग आने वाले हैं, मंच से उत्तर उसका पार्किंग व्यवस्था है। इधर पूरब से जो आने वाले हैं, मान लीजिए आप पुनपुन हो गया, डुमरी हो गया, उधर पूरी सब तो गांव है, नालंदा से बोलिए, नालंदा कहिए, मोकामा कहिए, लखीसराय कहिए, बड़हिया कहिए, झारखंड भी हो गया, पूरा लोगों का ठहरने का व्यवस्था सब पूरा है, यानी कि पूरा चौहद्दी में सारा व्यवस्था किया। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी का पार्किंग स्थान ही नहीं, गांव अगल बगल के सारे ग्रामीण जिनका खेत जमीन है वो सारे लोग स्वेच्छा से दान कर चुका है बाबा के प्रवचन कार्य के लिए। सोचिए, अच्छा बाबा उनको लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो बाबा यहाँ पर आकर के कुछ बोले भी नहीं या तैयो विरोध कर रहे हैं? स्वभाव होता है व्यक्ति का, और ऐसे तो हम लोग कहीं किसी का विरोध सुना ही नहीं है। विरोध तो आप लोग बना देते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे। अरे आप मीडिया वाले लोग सभी को किसी को विरोधी बना दीजिएगा, कभी सपोर्टर बना दीजिएगा, जो विरोधी हैं आप उनसे कभी क्यों नहीं पूछे, पूछे कि कभी कृष्ण बनते हैं बांसुरी लेकर के, कभी शंकर जी बन जाते हैं, वृंदावन की ओर कभी चल देते हैं, तो अपने बताते हैं कि हम सनातन धर्म मानने वाले हैं, वो तो बताते हैं अपने। अब उनके बारे में आप भी लोग कहीं गलती से पूछ लिए होंगे कि क्या कीजिएगा। सीधा साधा आदमी है, भोला आदमी है, भगवान का भक्त है, उनसे कुछ आप लोग उल्टी पुल्टी पूछ लिया होगा, उसी को आप चला रहे हैं, कहाँ वो कहियो विरोध कर रहे हैं बेचारे, बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, नेट प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोग हम जिनों से कुछ पूछ लीजिएगा, कुछ बोला जाएगा तो चलाना शुरू कर दीजिएगा।
सब कोई सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं। सनातन धर्मावलंबी भाइयों से मेरा निवेदन होगा, पूरे नवदपुर विक्रम बिहटा, पटना पालीगंज फुलवारी शरीफ बिहार, देश के तमाम कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से या जो नहीं आना चाहते हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूं कि आप धर्म के प्रति सजग रहें और अपने धर्म के प्रति ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। अच्छा, यहाँ पर जो जो कार्यकर्ता हैं, मुख्य कार्यकर्ता हैं, चाहे तो उनसे नीचे क्या है, सब लोग का अलग अलग विभाग बांटा गया होगा कि कौन सा विभाग में कौन देख रेख करेंगे? अभी सब कुछ नहीं है, सारे लोग को कोई कार्य नहीं बांटा गया है और ना कोई कार्य करने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है, स्वतः अपने लोग लगा हुआ है, कहीं से अन्न ला रहा है तो कहीं से कुछ ला रहा है, किसी को कुछ मांगा नहीं गया है ना कहा गया है। चलिए देखिए इधर देखिए हमारे साथ आलोक कुमार हैं, आपका इसमें क्या योगदान रहा? हम लोग देख रेख करने वाले हैं, हम लोग के ऊपर सचिव अध्यक्ष हम लोग को काम सौंपेंगे, वो काम हम लोग स्वेच्छा से करेंगे, जैसा भी काम मिलेगा हम लोग करेंगे और करने के लिए बैठे हैं, काम मिले इसके इंतजार में बैठे हैं। बाबा को किस तरीके से दरबार में हम लोग सेवा करें, यही ना? यही सेवा करेंगे। अच्छा, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है लोग, देखिए बहुत सारे भीड़ हो जाएगा, उस भीड़ में जो है अनियंत्रित हो जाता है, उसके लिए? बाबा के दरबार में कोई भीड़ अनियंत्रित नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये रास्ता बंद हो जाएगा, बगल से जो बड़ा रास्ता है वो बंद हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग पैदल आएंगे, तो इस लहला दोपहरिया में जो पैदल आएंगे तो रास्ते में कोई धूप के कारण गिर गए या किसी का कुछ हो गया, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की? ना वो सब नहीं होगा, गिरने और पड़ने का वो एम्बुलेंस वगैरह का व्यवस्था ये सब सारा टोटली चीज़ है, उस आने वाले आगंतुकों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा सेवा करने वाला तैयार है। और ये जो यज्ञ स्थल जो है, जो प्रवचन स्थल है, इससे बहुत नज़दीक पार्किंग बनाया गया है इस स्थल के चारों दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर जिधर से आदमी आएगा उधर पार्किंग है। खाने का भी व्यवस्था उसके नज़दीक में ही किया गया है, 50 काउंटर बनेगा उस तरफ, 50 काउंटर लगा रहेगा जिसपे आप 24 घंटा वो चलता रहेगा खाना देने का, जितना आदमी आएगा उतना सबके लिए खाना और रहने का व्यवस्था यहाँ बनेगा। और किस तरीके का तैयारी हो रहा है, ये पंडाल बन रहा है, सबसे खुशी की बात तो ये है कि बिहार में जब आ रहे हैं तो हमारे नवदपुर में आ रहे हैं, नवदपुर के तरेत में आ रहे हैं, तरेत मठ में भी काफ़ी सारा खुद का ज़मीन है, तो ये जो पंडाल बना हुआ है ये तरेत का अपना ज़मीन में बना हुआ है कि कुछ लोग भी दिए हैं पंडाल बनाने के? तो ये सब जो हो रहा है ये सब ठकुरबारी के ज़मीन है, हाँ बाबा ठकुरबारी के ज़मीन है, लेकिन इसके बाद आगे पाली के तरेत ढाई से 300 बीघा ज़मीन, 300 बीघा सिर्फ मठ का ही ज़मीन है ना, बाकी तो यहाँ बहुत सुनबे की है कि 500 बीघा में खाली पार्किंग बन रहा है चारों पट्टी, उन्हें 50 को काउंटर है, बहुत सारा चीज़ है, लाखों लाख स्क्वायर फीट में इधर व्यवस्था चल रहा है, कई एक गांधी मैदानी में समा जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि और वो इधर हुआ, सबसे बढ़िया व्यवस्था हो रहा है, गांधी मैदान में और ज़्यादा आवागमन में दिक्कत हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ तो सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया होगा। चलिए तो आपने देखा कि किस तरीके से तैयारी चल रहा है, ये मोटे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जर्मन टेक्नोलॉजी से लोहे का रड है और ये पूरा इस तरीके का पंडाल बन रहा है, अभी मैं जिस पंडाल में हूँ ये पूरे जर्मन टेक्नोलॉजी से बड़ा जो है पंडाल बनेगा, एक यहाँ बना है एक वहाँ बनेगा, बाबा का रहने का उधर व्यवस्था है उसी में रहेंगे इधर, और इसमें बाबा का जो है प्रवचन होगा बागेश्वर धाम वाले बाबा का, और ये आप देख रहे हैं जर्मन टेक्नोलॉजी से इस तरीके का पंडाल बन रहा है, बड़ा क्रेन लगा हुआ है, ट्रक पर पंडाल आया हुआ है, काफ़ी भव्य तैयारी चल रहा है, बाकी जब बाबा आएंगे तो आप लोग भी देख लेंगे, और लगातार मैं आप लोग को यहां से अपडेट देते रहूंगा। आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज़, नमस्कार, जय हिंद।